सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद कि आज बिंदास भोजपुरिया टीम हमारे सेट पे आई, और इस फिल्म में मैं कुंवर रणविजय सिंह का रोल कर रहा हूँ, जो कि एक मध्य प्रदेश की सत्य घटना है, और इसमें मेरा पॉजिटिव रोल है। वो एक कुंवर की कहानी है राजा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लेबिस घर, लेबिस लोकेशन सब हो रहे हैं हमारे, और आज यहाँ सॉन्ग चल रहे हैं, और आज यहाँ तीसरा दिन शूटिंग चल रहा है। हमारे डायरेक्टर समीत तिवारी जी ने इस रोल के लिए हमें ही चुना था, और ऐसा कुछ नहीं, पर्टिकुलर विलन नहीं करना है मुझको, एज ए कैरेक्टर सिनेमैटिक जो भी अच्छा रहे मेरे ऊपर मैं करने को तैयार हूँ, कोई बंदिश नहीं है किसी भी प्ले में। हाँ, ये कह सकते हैं, तो बस कैरेक्टर जमा डायरेक्टर तो मुझे साइन किए कि आप ये करो। अब देखिए, आप क्या बताएं, कहानी के ऊपर है, डायरेक्टर साहब ने मुझे सारी चीज़ें सुनाई बताई तो मुझे अच्छा लगा, और ऐसे देखा जाए तो ये एक फिल्म बनी है हिंदी फिल्म में, साहेब बीबी और गैंगस्टर, तो डायरेक्टर ने बोला कि मुझे भोजपुरी का जिमी शेरगिल मिल गया, तो मुझे उस अंदाज में उतारा जा रहा है। गोलू के साथ मैंने एक फिल्म और पहले भी किया है, दिलवाले, गोलू का काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, बहुत ही अच्छा एक्टर है, और वो तो बचपन से कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उसका है, और बहुत कोऑपरेटिव मिलता है। और संगीता जी मेरी पहली पिक्चर है, और संगीता जी बहुत ही अच्छी नेचर की हैं और काफ़ी सपोर्ट करती हैं, और बहुत बढ़िया, मतलब जो होना चाहिए एक सेट पे। नहीं जी, पर्टिकुलर ये नहीं, जैसा मिलता रहेगा। मैं आपसे पहले भी बोला कि मैं बतौर यहाँ विलन बनने नहीं आया हूँ, मैं सिनेमैटिक, हीरो मिलेगा हीरो करेंगे, विलन मिलेगा विलन करेंगे, एज ए सोनू सूद, मोनीस बहल, एज ए इरफान खान, ये समझिए आप। लेकिन आप अपने आप को कितने ज़्यादा कंफर्टेबल फील? सब में, एक एक्टर अपने आप को सब में करता है, एक्टिंग इसी को बोलते हैं कि जिसमें अपने आप को ढाल ले। हाँ, ये तो है, क्योंकि पार्ट वन इसकी बिहार में 11 सप्ताह चली थी हाउसफुल, और काफ़ी लोकप्रिय फिल्म रही, इसलिए थोड़ा प्रेशर तो है, लेकिन ये भी अच्छा ही रहेगा, जो हमारी कहानी है, जो हमारे लोग हैं, उम्मीद है कि दर्शकों को पसंद आएगा। ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा मोड़ा जो भी फाइट दिया जाएगा, अभी पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, हल्का फुल्का मार खाएंगे या धोएंगे? नहीं, मारेंगे। इसमें, हाँ, इसमें मारने का मौका मिलेगा। अभी देखिए, दिलवाले रिलीज पे है, और अभी एक मैंने फिल्म की बॉर्डर पार सजनी हमार, वो भी मेरे ख्याल से फरवरी या मार्च तक रिलीज होगी, और आने वाली फिल्मों में अभी देखा जाए तो दोस्ताना और गदर 2 लाइनअप है, देखिए जब शुरू हो। जी कुछ आइडिया नहीं, लेकिन चर्चाएं चल रही हैं और डायरेक्टर कुछ बातचीत किए हैं, तो देखिए कब डेट देते हैं, कब होता है। राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जाते-जाते सिर्फ बिंदास भोजपुरिया के दर्शकों को शुभकामनाएं देते हैं। हाँ, बिंदास भोजपुरिया दर्शकों को हमारी शुभकामना है, नए साल में ये चैनल खूब आगे बढ़े, और हमारे आनंद भैया हमेशा इसी तरह सेट पर आते रहें। नमस्ते।